आज एक और संडे है और आज मैं फिर से आ गया एक नए जगह घूमने, आप लोगों को घुमाने। आज हम लोग जाएंगे रोंगो व्यू पॉइंट, और अभी हम लोग एक पाइन फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहे हैं। मैं जस्ट पहुंचा, बहुत लेट हो गया आज भी, क्योंकि बारिश की वजह से सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो अभी हम लोग जिस जगह पे है वो जगह आप देखिए बस एक बार, ये देखिए, देखिए ऐसे दिखाते हैं आपको। और यहाँ का भी ड्रोन शॉट लूँगा मैं। ये रास्ता देखिए बस, ये जो रास्ता सीधा है मिडिल पे, ये वाला रास्ता देखिए बस आप भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। माई नेम इज़ निलिप्तो एंड यू आर वॉचिंग 365 डेज इन माउंटेन्स। सो दोस्तों, आज एक और संडे है और मैं फिर से निकल गया हूँ घूमने। को बोला था कि मैं सेम रूट पे ही आऊँगा, जो खुनिया मोड़ से जो झालोंग बिंदु की तरफ जाता है उसी रूट पे आऊँगा, लेकिन कुछ और ऑफबीट प्लेसेस है उन जगहों को एक्सप्लोर करूँगा। मेरा पिछले वीडियो में मैंने वो रोंगो रिवर वैली और तलगांव व्यू पॉइंट का वीडियोस और ड्रोन शॉट्स करके आप लोगों को दिखाया था और उसका रूट दिया था। और उस दिन हम लोग दो जगह और नहीं जा पाए जहाँ पे जाने का प्लान था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हम लोग जा नहीं पाए। तो और आज हम लोग जो जगह पे जा रहे हैं, आज भी हम लोग दो जगह ही एक्सप्लोर करेंगे शायद, देखते अगर बारिश नहीं हुआ तो। और आज का वेदर भी सेम ही है, मतलब बारिश कभी भी आ सकता है, थोड़ी देर पहले ही गिर रहा था। और आपको ये जो जगह है कुमाई बोल के, कुमानी बोलते हैं इस जगह को, यहाँ से अगर आप लेते हो लेफ्ट तो आप चले जाओगे मेटली, सामसी, चालसा, और अगर राइट जाते हो तो झालोंग बिंदु और रोंगो। तो हम लोग जाने वाले हैं अभी राइट में। तो अगर आप लोगों को रोंगो दलगांव व्यू पॉइंट जाना है तो आप लोगों को इस जगह से लेना पड़ेगा लेफ़्ट, और अगर आपको झालोंग बिंदु वाले रास्ते में जाना है तो आप लोगों को लेना पड़ेगा राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। सो अभी हम लोग रोंगो की तरफ जा रहे हैं। आज पहले रोंगो व्यू पॉइंट जो है उधर जाएंगे, उसके बाद दूसरे जगहों पर जाएंगे। आपको इधर से लेफ़्ट लेना है इस जगह से, और अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप चले जाओगे वहाँ से क्या बोलते हैं दलगांव व्यू पॉइंट उस रास्ते से, और ये रास्ता जाएगा मतलब हम लोगों का दलगांव रोंगो व्यू पॉइंट रोंगो रिवर वैली के रास्ते में। और इस रास्ते का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो अगर आपको वो रोंगो रिवर वैली में जाना है तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, ये रोंगो रिवर वैली का नंबर दिया हुआ है, और आपको इस रास्ते से नीचे जाना पड़ेगा। और ये जो सीधा रास्ता देख रहे हो आप, ये रोंगो व्यू पॉइंट जो है उधर चला जाएगा, और रोंगो व्हाइट हाउस जो होम स्टे है उधर चला जाएगा, ये जो सीधा रास्ता है। और ये नीचे वाला जो रास्ता है ये चला जाएगा सीधा आपका रिवर वैली का जो होम स्टे है, और वो जो ब्रिज है जो मेरा पिछले वीडियो में होगा, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि वो जो ब्रिज था वो इस रास्ते में है। गाइस, ये जो जगह है आप बस ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस जगह का आज एक ड्रोन शॉट लेंगे। पहले चलते हैं तो रिवर वैली की तरफ, उधर से इस जगह का एक ड्रोन शॉट लेंगे। और आप ये जगह देखिए बस, इधर में प्लांटेशन किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये जगह, बहुत ज़्यादा। मुझे इस जगह का एक अच्छा सा ड्रोन शॉट चाहिए होगा आज, तो चलिए पहले घूम के आते हैं ऊपर से, फिर इधर में ड्रोन फ्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं जो रोंगो व्यू पॉइंट है उधर जा रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया, मैगी खा लिया हम लोगों ने, यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं रोंगो व्यू पॉइंट। अभी दो घंटा हम लोग लेट हो गए बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। रोंगो व्यू पॉइंट जाने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा इस रास्ते से जाना पड़ेगा, ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हो इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। और
और रास्ता का हालत बहुत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों जो लोग रोंगो व्यू पॉइंट आने के लिए आने का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को एक बात बता दें कि रास्ता का हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ रोड है, दिख रहा है आपको बहुत ख़राब हालत है रास्ता का, तो फुल चढ़ाई है और फुल ऑफ रोड है, यहाँ पे थोड़ा सा भी रास्ता आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और यहाँ से हम लोग एक और जगह जाएंगे, उस जगह का भी व्यू देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी उस जगह का व्यू। ये है वो व्यू पॉइंट जाने वाला रास्ता, शायद ये तो ग्राउंड है, यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन पैदल किधर से जाना पड़ेगा वही तो सबसे बड़ी बात है। बाप रे बाप, इधर में तो बहुत फिसलन है भाई, बहुत फिसलन है इधर में। अच्छा वो, अच्छा ये सीन को ना है, अच्छा तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोंगो व्यू पॉइंट की तरफ। रास्ता देखिए बस, आज तो लग रहा है हमको तीन चार जोक तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, जोक नहीं है फिर तो अच्छा बात है भाई। देखिए आज पिछला से भाई सब रास्ता देखिए, यहाँ का यहाँ पे तो कोई नहीं आता है लगता है। ये देखिए ये पूरा सिनकोना का जो फॉरेस्ट है उसके अंदर से जा रहे हैं अभी हम लोग भाई, रास्ता बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं अच्छा है, तो हमको ऐसा ही वेदर चाहिए। चलिए ना, वेदर का कोई बात नहीं है। So, हम लोग पहुंच गए रोंगो व्यू पॉइंट, यही है, और आपको अभी ड्रोन से इस जगह का नज़ारे दिखाते हैं। चलिए पहले ऊपर जाते हैं, पहले ऊपर से देखते हैं कैसा आता है, फिर ड्रोन से दिखाएंगे आपको। ये देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे कुछ भी। सो दोस्तों ये है दलगांव व्यू पॉइंट, और अभी हम लोग खड़े हैं इसके ऊपर, और यहाँ से व्यू देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत।
सो दोस्तों अभी एक और जगह पे जा रहे हैं। ऊपर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, देख सकते हो आप मेरा गाड़ी का हालत पूरा भीग चुके हैं। मैं नहीं भीगा, मैं रेनकोट पहन लिया था। तो अभी हम लोग एक और बहुत खूबसूरत सा एक जगह में जाने वाले, पता नहीं आज का वेदर कैसा रहेगा वहाँ पे। अगर वेदर अच्छा नहीं रहा, नीचे नीचे नीचे, अगर वेदर अच्छा नहीं रहा तो हम रिटर्न कर जाएंगे घर। और ये जगह देखिए गाइस कितना ज़्यादा कलरफुल है, ये जगह देखिए बस बहुत ज़्यादा कलरफुल है। रास्ते भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये है दलगांव व्यू पॉइंट जाने वाला रास्ता। मुहिरा जी, ये है दलगांव व्यू पॉइंट जाने वाला रास्ता, लेकिन आज हम लोग दलगांव व्यू पॉइंट नहीं जाएंगे क्योंकि मैं उस दिन ही दलगांव व्यू पॉइंट का वीडियो आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आप क्लिक करके देख सकते हो। और अभी हम लोग जाने वाले हैं इस साइड में, इस साइड में ये जो जगह है हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ये जो जगह है बस देखिए गाइस कितना ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता क्योंकि सामने आर्मी कैंप है, वहाँ से उड़ाने नहीं देगा। ये है वो जगह। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं घर की तरफ। इधर में शाम हो गया ऑलमोस्ट, तो और कहीं जा नहीं पाएंगे यहाँ से, तो अभी घर की तरफ ही रिटर्न कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम खड़े हैं जलढका रिवर के ऊपर, इसको एक्चुअली डायना रिवर भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ का व्यू देख सकते हो। और ये वीडियो, आज का वीडियो यहाँ से ही, इस जगह से ही ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अभी हम घर चले जाएंगे तो, और शाम भी हो गया तो रात का दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।